नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं करिश्मा कौशिक के नाम से। तो बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आज हम बात करेंगे पौधों से संबंधित। अब आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि हर एक पौधे का अपना महत्व होता है और कहीं ना कहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में आपको तरक्की देते हैं, प्रोस्पेरिटी देते हैं, करियर ग्रोथ देते हैं। मगर वहीं पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में दरिद्रता लेकर के आ जाते हैं। आपकी हेल्थ जो है वो खराब होने लग जाती है, आपके घर में नेगेटिविटी आने लग जाती है। मगर कुछ पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं जो आप किसी को भी गिफ्ट पर्पस से भी दे सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं और आपके घर में इनको रखने से कहीं ना कहीं खुशहाली आती है। इन्हीं पौधों में से आज हम बात करेंगे बैम्बू प्लांट की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैम्बू प्लांट की। अब देखिए, ये जो पौधा होता है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, तो इस पौधे की अगर हम क्वालिटीज देखें, यानी अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें, तो ये जो सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। अगर आप इसको देख करके चलें तो आप इसको देख सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल होता है। और इसके साथ ही साथ ये जो होता है बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। कहीं पे भी आप इसको लगा देते हैं तो ये बहुत जल्दी सूखता नहीं है, बहुत जल्दी मरता नहीं है, बल्कि ग्रो करता है। तो इसका अगर सिग्निफिकेंस हम देख करके चलें तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है ये हमें अपने जीवन में इस चीज़ को दर्शाती है कि ये एक तरह से प्रोस्पेरिटी का कारक है। ये जो होता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ग्रोथ देता है, हमें पावर देता है और साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं ऐसी शिकायत होती है कि कुछ काम जो है वो सही से नहीं कर पाते, किसी भी माहौल में बहुत जल्दी से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। उन सब चीज़ों का कारण ही ये होता है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, हर एक प्लांट ग्रीन कलर का ही मोस्टली आप देखते हैं। बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो पर्पल शेड में या अलग अलग कलर के होते हैं, बट 99% जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है ये सिग्निफाई करता है मर्क्यूरी को, यानी बुध ग्रह को, बुद्धि का कारक बुध ग्रह। अगर आप इस प्लांट को अपने बच्चे की स्टडी टेबल पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसके साथ साथ पढ़ने में उसकी जो एकाग्रता क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी जॉब में तरक्की चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, तो भी आप इस प्लांट को अपनी टेबल पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में चाहते हैं कि आपको लक मिले और साथ ही साथ हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहे, स्पेशली जो घर का ओनर है उसकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहे, तो इसको आप अपने घर के लिविंग रूम में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं खूबसूरत तो बहुत होता है ये, और इसके साथ ही साथ ये घर में एक तरह से डेकोरेशन का काम भी करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता किसी भी व्यक्ति से बहुत अच्छा रहे तो भी इसको आप गिफ्ट पर्पस से उस व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये फलेगा फूलेगा, वैसे वैसे आपका रिश्ता, आपका पैसा, आपका लक, आपकी जॉब, आपका व्यापार, ये सब भी फलेगा फूलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसको रखने की डायरेक्शन की, यानी वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इसको कौन से दिशा में रखा जा सकता है, तो देखिए इसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं और इसके साथ ही साथ इसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन के जो प्लैनेटरी लॉर्ड होते हैं वो मंगल होता है, यानी मार्स, प्लैनेट ऑफ फायर। तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर में, क्योंकि इस डायरेक्शन पे यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे किचन होती है, अगर किचन आपकी इस डायरेक्शन पे नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है आपको एक तरह से आपके घर में वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो आप बैम्बू प्लांट को उस डायरेक्शन में रख सकते हैं ताकि ये आपका वास्तु दोष भी रिमूव करें, और साथ ही साथ अगर आपका लिविंग रूम है तो वहाँ पर भी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस प्लांट को रख सकते हैं, ताकि आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है या आपस में ही मन मुटाव रहता है घर परिवार के सदस्यों का, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए।
तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही विषय जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।